हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आलू रोलर्स शेयर करने वाली हूँ। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 6 से 7 बॉइल्ड आलू ले लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पेस्ट तैयार करके रखी है, जिसमें मैंने अदरक का छोटा टुकड़ा, 1 गड़ी लहसुन की और 2 हरी मिर्ची डाल के रखी है। इसे मैंने फाइनली चॉप्ड करके रखा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया ली है, तो धनिया आपको यहाँ पे 1 मुट्ठी लेनी है। और धनिया को बहुत ही अच्छे से वॉश करके और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसमें डाल देना है। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची डाली है 1/2 चम्मच, और इसके बाद धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच, और इसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक 1 चम्मच और 1/4 चम्मच। पर आप नमक जो है वो स्वाद अनुसार डाल सकते हो। हम लोग नमक थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। तो इसके बाद हम इसे काफ़ी अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद हम यहाँ पे प्रोसेस देख लेते हैं। तो ये है मैदे की पट्टी बना के रखी है मैंने यहाँ पे। तो मैदे की पट्टी में हम आलू, ये जो मसाला हमने तैयार करके रखा है, ऐसे हम डाल देंगे। तो मैदे की पट्टी कैसे बनती है, आपको मैदा लेना है, इसमें पानी डालना है मैदे में, और फिर उसे अच्छे से आटे की तरह गूंध लेना है, और फिर उसे बेल के इस तरह की पट्टियाँ बना लेनी है। इसके बाद मैं मैदे की लोई लगा के इसको बांध रही हूँ। तो लोई लगा के कैसे बांधना है इसको, मैदे लेना है, उसमें पानी डालना है, उसे पतला, काफ़ी पतला बनाना है, उस तरह से लोई बना के आपको इसे बांध लेना है। तो सेम तरीका जो है मैं बाकी सारी भी इसी तरह से यहाँ पर बना करके रख दूँगी। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और इसमें तेल डाल देंगे। तेल हम उतना ही डालेंगे जितने में ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाए। इसके बाद जब तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तभी हम इसमें ये जो आलू के रोलर्स हैं उन्हें डालेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा गर्म में ही डालना है, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसे हमने डाल दिया है, और इससे बीच बीच में हम इसे टर्न करते रहेंगे ताकि ये जो है एक साइड से जले नहीं। और इसके बाद जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के बाद आपको निकाल लेना है, और इसे आप सॉस के साथ खा सकते हो या फिर चटनी के साथ भी खा सकते हो। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो ज़रूर करिएगा। वहाँ पर डेली 30 सेकेंड्स के अंदर रेसिपीज़ जाती हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।